जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। अपने 3 दिवसीय उत्तरी कश्मीर के दौरे पर आज उड़ी पहुंचे अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा, लिहाजा वे जम्मू कश्मीर में पिछले दरवाजे से शासन चलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जहां उनकी चुनी हुई सरकार बने और उनके मुद्दों का हल हो सके। उड़ी दौरे पर पहुंचे अल्ताफ बुखारी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कई प्रतिनिधिमंडलों ने भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से मुलाकात की और उन्हें स्थानीय मुद्दों से अवगत करवाया। टच की मेरी कब चाहती है बीजेपी यहाँ इलेक्शन, क्यों चाहेगी? सीट ड्राइविंग कर रहे हैं तो बीजेपी नहीं चाहती, उनको खतरा है कि वो नहीं देखिए जम्मू कश्मीर से तो एक सीट भी नहीं, जम्मू में मुझे नहीं लगता है 5-10 से ऊपर उनकी कोई पोजीशन है, इसलिए वो कहते हैं जितना टाइम निकलेगा उतना टाइम निकल जाए। अकाउंटेबिलिटी के बिना सरकार उनकी ही चलती है, जो मर्जी है वो कराते हैं और उनको ये समझना चाहिए कि लोगों में जितना गुस्सा है वो उन्होंने निकालना उन्हीं पे है, ये थोड़े अल्ताफ बुखारी पे निकलेगा, ये किसी और पे नहीं निकलेगा, तो सरकार में तो वो लोग ही हैं। मैं तो उनको लाता यहाँ, जो मैंने नीचे पानी देखा वो काला पानी, मैं उनको कहता जरा देखो ये पी लो, शायद फिर उससे उन लोगों को समझ आएगी कि लोगों के हालात क्या है, क्या लोग पी रहे हैं, किस पे लोग जी रहे हैं। तो बॉर्डर है, इन लोगों की कुर्बानी है, कुर्बानी जल उनके वो जो बड़े बड़े नारे देते हैं और जो बड़े बड़ी तकरीरें करते हैं, मैं बीजेपी वालों को कहता हूँ आ जाओ खड़े हो जाओ बॉर्डर पे, इन लोगों की कुर्बानी देखो, जो बाहर से जब गोला आता फेस करते हैं कुर्बानी, हमें दफ्तरों में बैठ के जम्मू में बैठ के ना उससे खाओ, तो उड़ी वालों से सीखो जिसको कुर्बानी देनी है, कुर्बानी तो ये देते हैं, कुर्बानी एक ही तरह की नहीं देते हैं, बॉर्डर के गोलों की नहीं, 4 प्रोजेक्ट इनके पानी पे चल रहे हैं और बिजली कम हो नहीं ये देखते, यही बीजेपी वालों आपकी देन है इनको, 970 रुपए की बिल आपकी देन है इनको, और फिर कहते हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि ये कोई एहसान आप कर रहे हो, फिर ये बिजली अगर नहीं दे दोगे वही अच्छा है।